जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर कैसे बने, क्या उसके लिए पीएचडी करना अनिवार्य है, यदि हम पीएचडी नहीं करते हैं तो हम किस तरीके से कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकते हैं। तो पूरी डिटेल में आपको प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकते हैं। तो साथियों, यदि आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं, यदि आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है, आपको किसी भी सब्जेक्ट का बनना है, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट से हैं, किसी से भी आप हैं, तो यदि आपको किसी एक सब्जेक्ट का क्या बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए प्रोसेस क्या रहता है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये भी बहुत जरूरी है। तो उसके बारे में बात करते हैं डिटेल में। तो साथियों, सबसे पहले जिस भी सब्जेक्ट का आपको प्रोफेसर बनना है, देखिए एक सब्जेक्ट ही चुना जाता है, आप एक सब्जेक्ट के ही प्रोफेसर होंगे, फिर चाहे वो आपका कोई सा भी हो सकता है, आपका हिंदी हो सकता है, मैथ हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, मैथ हो सकता है, साइंस का कोई भी एक सब्जेक्ट हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, अकाउंट हो सकता है, तो किसी भी एक सब्जेक्ट के आप प्रोफेसर बनते हैं। तो उसकी जो प्रक्रिया होती है वो आपकी ग्रेजुएशन से ही स्टार्ट हो जाती है। आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, ग्रेजुएशन में जिस भी सब्जेक्ट को आपको आगे तक लेके जाना है वो सब्जेक्ट आपको ग्रेजुएशन में लेने होते हैं। अब सपोज डेट, जैसे आपको अकाउंट का टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो आपने अपना ग्रेजुएशन किया, बीकॉम किया या बीबीए किया, उसके बाद में फिर आपको अपनी मास्टर डिग्री करनी होगी, यानी आपको क्या करना होगा, अपना एमकॉम करना होगा। एमकॉम करने के बाद में जब आपका एमकॉम फाइनल ईयर हो तो तब आप दे सकते हैं अपना यूजीसी नेट का एग्जाम। तो क्या देंगे आप, यूजीसी नेट का एग्जाम देंगे, और यूजीसी नेट का एग्जाम यदि आपको क्लियर हो जाता है, दो फेज में एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाता है, तो यदि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। डायरेक्ट आप प्रोफेसर नहीं बनेंगे, क्या बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। यही प्रोसेस सभी के लिए लागू होता है, फिर चाहे आपका साइंस स्ट्रीम है, फिर चाहे आपका आर्ट स्ट्रीम है, कोई भी स्ट्रीम है, आपको क्या करना पड़ेगा, यूजीसी नेट का एग्जाम देना पड़ेगा, यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। यदि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो फिर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। अब यदि आपका यूजीसी नेट में अच्छा स्कोर आता है तो फिर आपको मिल जाता है जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि पीएचडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए आपको क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, जिससे आप स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आप क्या कर सकते हैं, अपना पीएचडी कर सकते हैं। आप इसको अपने जॉब के साथ साथ भी कर सकते हैं, यानी कि आप कॉलेज में पढ़ाते हुए, यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाते हुए भी आप साथ के साथ क्या कर सकते हैं, अपना पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी करने के लिए आपको हर मंथ पैसे मिलेंगे, जो कि आपको यूजीसी की तरफ से दिए जाएंगे। वो आपको भी मिलता है जब आपका यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है उसमें आप अच्छा स्कोर करते हैं, टॉप में आप आते हैं। अब इससे आगे बात करें साथियों, यदि आप पीएचडी कर लेते हैं या आपका 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है पढ़ाते हुए, तो फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर से क्या हो जाते हैं, एज अ प्रोफेसर आप पढ़ा सकते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। अब गलती बच्चे क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि जैसे आपने अपना ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन में आपने 3 सब्जेक्ट अपने लिए, जैसे आपको हम बीए की ही बात करें तो बीए आपने इंग्लिश से किया है, हिंदी है, साथ में आपने हिस्ट्री है। अब उसके बाद में अपना पीजी कर लिया आपने अपना कुछ ऐसे सब्जेक्ट से जो आपके पास ग्रेजुएशन में नहीं था, सपोज डेट आपने ज्योग्राफी से कर लिया अपना पीजी, तो अब आपको आगे चल के फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी, फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे यूजीसी नेट के लिए। तो याद रखिएगा, आपके वो सब्जेक्ट जो ग्रेजुएशन में पढ़े हैं वही आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में होना अनिवार्य है, और साथ के साथ यूजीसी नेट के लिए आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में, फिर चाहे वो आपका एमए है, एमकॉम है, एमएससी है, कोई भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसमें 55% मार्क्स होना अनिवार्य है, तभी आप यूजीसी नेट का फॉर्म भर सकते हैं। तो साथियों, यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करने के बाद में आप एज अ कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर योर फॉर बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।